माताएं बहने, त्योहार तो बहुत से हमारे समाज में मनाए जाते हैं, लेकिन एक मुख्य त्योहार की ओर चर्चा करेंगे जो हमारी माताएं बहने ज्यादातर मनाती हैं, और वो त्योहार है करवा चौथ का। अभी आने वाला भी है करवा चौथ, तो कितनी हमारी माताएं बहने करवा चौथ मनाती हैं, हाथ उठाएंगे जरा। हाँ उठाइए, अब आप हाथ नहीं, देखो ये भैया लोग हाथ उठा रहे इधर से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है भैया। ये अम्मा बहनी करवा चौथ पूजती, आप करवा चौथा पूजो, अच्छी बात है। हम ये कह रहे हैं कि हमारी माताएं बहने कितनी लोग करवा चौथ व्रत रहती हैं, पूजती हैं, वो लोग हाथ उठा दे। कोई नहीं पूजता है का भैया, सही बात है। विनीत भैया जी, सही बात नहीं है, मतलब पूजती है लोग। अच्छा माताएं बहने ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग करवा चौथ पूछती हैं? ताई अमरी कह रही हम नहीं पूछते। ताई आप तो नहीं पूछती हैं, लेकिन बाकी अम्मा लोग, दीदी लोग, चाची लोग, भाभी लोग, बहुत लोग पूछती हैं। माताएं बहने देखो, ये करवा चौथ काहे का त्योहार है? पति का त्योहार। करवा चौथ जो है पति का त्योहार। अब अम्मा बहनों आधी रात का समय हो रहा है लगभग, और तुमको लोगों को अपने अपने पतिन की कसम है, हाथ उठाओ कितने लोग करवा पूछती हो। अगर अपने अपने पति को मानती, हाँ हाँ देखो जो लोग मानते भैया वो लोग हाथ उठा रहे। देखो अपने अपने पतिन की कसम है आप लोगों का, जो लोग करवा पूछती हो हाथ उठाओ अम्मा बहनो ऊंचे ऊंचे। हाँ ओहो है पति बढ़ता वैसे अम्मा बहने, जो लोग पूछती भैया हाथ उठा दिया, ठीक है अच्छी बात। और आप लोग आगे की चर्चा सुन लीजिए, हमारी जितनी माताएं बहनें करवा चौथ पूजती हैं लगभग सब लोग, ध्यान ये देना है कि जितने भी भैया तीज त्योहार बने हैं सब त्योहार अम्मा बहनों पर थोपे गए। कोई त्योहार पति के नाम पर बना है भैया, कोई त्योहार भाई के नाम पर बना है, और कोई त्योहार बच्चों के नाम पर बना है। कहीं पूजा करके अम्मा बहने भाई की उम्र बढ़ा रही, कहीं पति की उम्र बढ़ा रही, कहीं बच्चों की उम्र बढ़ा रही, लेकिन कोई एक त्योहार भी ऐसा नहीं बना है, कोई एक भी त्योहार ऐसा नहीं बना है जिसमें व्रत हमारे भैया लोग रखें, पूजा हमारे भैया लोग करें और उम्र थोड़ा इनकी बढ़ी जाए। कोई है भैया त्योहार ऐसा, बताइए आप। ऐसे बहुत से त्योहार हैं जो हमारी माताएं बहने व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं, कहीं पति की उम्र बढ़ाती, कहीं भैया की उम्र बढ़ाती, कहीं बच्चों की उम्र बढ़ाती, लेकिन ऐसा कोई एक भी त्योहार नहीं बना जिसमें हमारे भैया लोग व्रत रहें, पूजा करें, उम्र हमारी अम्मा बहने बढ़ जाए। कोई त्योहार ऐसा नहीं। ये भैया लोग चाहे दारू पी के आवे, रोज लाठी चलावे, लेकिन अम्मा लोग करवा जरूर पूजेंगे, करवा जरूर पूजेंगी, उम्र जरूर बढ़ाएंगे, लाठी चाय रोज खाए। अम्मा बहनों आपको समझना है ये बात अच्छे से कि करवा चौथ पूजने से लोग कहते पति की उम्र बढ़ती। अगर करवा चौथ व्रत रहने से, पूजा करने से पति की उम्र बढ़ जाती तो अम्मा बहनों इस हिंदू धर्म में कोई भी महिला विधवा नहीं होती। अगर करवा चौथ पूजने से, व्रत रहने से पति की उम्र बढ़ती तो हिंदू धर्म में कोई भी स्त्री विधवा नहीं होती। ताई जी सही कह रहे हैं, हाँ सही है। देखिए माताओं बहनों और एक बात समझना है, अगर व्रत रहने से, पूजा करने से पति की उम्र बढ़ती तो मुस्लिम समाज की महिलाएं भी करवा पूजती। मुस्लिम समाज में करवा पूजा जाता है भैया? नहीं पूजा जाता। अगर व्रत रहने से, करवा पूजने से पति की उम्र बढ़ती तो सिख धर्म की महिलाएं भी करवा पूजती, ईसाई धर्म की महिलाएं भी करवा पूजती, जैन बौद्ध हर धर्म की महिलाएं फिर करवा पूजती। लेकिन ये करवा चौथ का पूजन किस धर्म में होता है? सिर्फ हिंदू धर्म। तो यही समझना है आप लोगों को, सबसे पहली बात, व्रत रहने से, पूजा करने से अम्मा बहनों किसी की उम्र नहीं बढ़ती। करवा चौथ के दिन ही भैया पता नहीं कितने लोग एक्सीडेंट में मरते,
करवा चौथ के दिन कोई अपनी बहन के यहाँ जा रहा, कोई बिटिया के यहाँ जा रहा, कोई ससुराल जा रहा। करवा चौथ के दिन ही पता नहीं कितने लोग एक्सीडेंट में मरते हैं। तो कहा अम्मा बहनों उनकी पत्नियां करवा नहीं व्रत है, उनकी पत्नियां करवा नहीं पूछती, पूछती हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो जाता है। अब कुछ हमारी अम्मा बहने कह रही होंगी अरे वो तो होनी है, होनी को कौन टाल सकता है, जिसकी जितने समय आ जाएगी जाना पड़ेगा। अरे जब होनी को कोई टाल नहीं सकता भैया, जितने समय जिसकी मौत आएगी जाना ही पड़ेगा, तो फिर ये करवा चौथ का नाटक कैसा, फिर करवा चौथ पूजने से क्या फायदा। माताओं बहनों और एक बात समझना है, लोग कहते हैं कि करवा व्रत रहने से, करवा पूजने से पति की उम्र बढ़ती, 100 साल की उम्र हो जाती। अगर भैया करवा व्रत रहने से, करवा पूजने से पति की 100 साल उम्र हो जाती, तो हमारे बहुत से ऐसे भैया लोग होते हैं जिनकी 2 पत्नियां होती हैं। आपकी रिश्तेदारी नातेदारी में कहीं ना कहीं एक दो लोग ऐसे होंगे जिनकी 2 पत्नी होती हैं, तो भैया उनकी तो फिर 200 साल उम्र बढ़ जानी चाहिए। क्यों अम्मा बहनों, भाई जिनकी 1 पत्नी करवा पूज रही उनकी 100 साल की उम्र हो जाएगी, तो जिनके 2 पत्नियां हैं जिनकी 2 पत्नी करवा पूज रही उनकी तो 200 साल उम्र हो जानी चाहिए, फिर उनको 200 साल जिंदा रहना चाहिए। लेकिन कोई फर्क दिखता है बताओ अम्मा बहनों, कोई फर्क दिखता है, कोई फर्क नहीं दिखता। इसलिए मेरी माताओं बहनों ये समझना है कि व्रत रहने से, पूजा करने से किसी की उम्र नहीं बढ़ती। अगर व्रत रहने से, करवा पूजने से पति की उम्र बढ़ जाती, तो हिंदू धर्म में कोई भी स्त्री विधवा नहीं होती। ये बात आपको गांठ बांध लेना है मेरी माताओं बहनों, और ध्यान देना है अम्मा बहनों, करवा चौथ का जो पूजन होता है, हमारी माताएं बहनें जो करवा बनाती हैं, वो चाहे लोटा हो और चाहे कलश हो, कुछ भी हो, जो करवा बनाती हैं, वो करवा जो बनता है अम्मा बहनों, वो पति का रूप माना जाता है। जो करवा आप पूजती हो, लोटा हो या कलश हो, कुछ भी हो, वो करवा पति का रूप माना जाता है। और माताएं बहनें हमारी जब पूजने के लिए बैठती हैं भैया 2-4-5 लोग, तो ये आपस में करवा की अदला बदली भी कर लेती है, उनका करवा उनके पास, उनका करवा उनके पास। माताओं बहनों बताओ ये करना चाहिए भाई? वो करवा जो आप पूज रही हो वो पति का रूप माना जाता है, और उसी पति रूपी करवा की आप अदला बदली कर रही हो, अपना करवा उनको दे दिया, उनका करवा अपने पास ले लिया, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये बातें समझना है आप लोगों को। माताओं बहनों उम्र व्रत रहने से, पूजा करने से नहीं बढ़ती। उम्र वहां पर बढ़ती है जहां पर प्रेम होता है, एकता होती है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, जहां पर पति पत्नी एक दूसरे की सलाह से हर कार्य करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एक दिन हमारी माताएं बहनें करवा पूज लेती हैं, व्रत रख लेती हैं, पति की उम्र के, लंबी उम्र के कामना करती हैं, और बाकी के दिन लड़ाई झगड़ा मारपीट चल रहा है। कैसे उम्र बढ़ेगी भैया? बिल्कुल उम्र नहीं बढ़ सकती। माताओं बहनों आज आपको हम एक मूल मंत्र बताने के लिए जा रहे हैं, इसको अपना लीजिए। व्रत रहने से, पूजा करने से, दीवार में चित्र बनाकर पूज लेने से, चंद्रमा की पूजा कर लेने से किसी की उम्र नहीं बढ़ने वाली। अगर माताओं बहनों सच में आप चाहती हो कि आपके पति की उम्र बढ़ जाए, तो एक काम करना शुरू कर दो आज से, और वो काम ये है कि अगर आपके पति दारू पीते हैं तो कोशिश करो उसको छुड़ाने की। समझ रही हो अम्मा बहनों? अगर आपके पति दारू पीते हैं उसको छुड़ाने की कोशिश करो। अगर आपके पति गांजा पीते हैं उसको छुड़ाने की कोशिश करो। आपके पति बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, पुड़िया पान तंबाकू खाते हैं, उसको छुड़ाने की कोशिश करो। वो भैया दादा लोग जहर पे जहर खाए जा रहे हैं, दारू पी पी के, गांजा पी पी के, कलेजा फूके ले रहे हैं, और ये अम्मा बहनी चंद्रमा की पूजा कर करके इनकी उम्र बढ़ा दे। कबू नहीं बढ़ सकती उम्र, खूब पूछती रहो, उम्र नहीं बढ़ने वाली। क्यों? हम करवा चौथ के दिन भैया किसी ना किसी गांव में ही होते हैं अक्सर, और देखते हैं कि अम्मा बहने हमारी करवा पूज रही, शाम के समय बढ़िया इकट्ठी बैठी है, सब लोग करवा पूज रही, अम्मा बहने घर में बैठी करवा चौथ पूज रही, और दादा भैया लोग हमारे गाँव किनारे गाँव नाली में लुढ़के मरे, लुढ़का चौथ पूज रहे।
काहे लड़का चौथ काहे पूछ रहे पता है, क्योंकि ये लोग तो निश्चिंत हो जाते हैं भाई कि हमारे लिए तो करवा पूजा जा रहा, अब हमारी उम्र तो पक्का बढ़ जाएगी। भैया लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारे लिए तो भाई करवा पूजा जा रहा है, हमारी उम्र तो अब बढ़ेगी ही बढ़ जाएगी, इसलिए बेचारे इतनी दारू पी लेते हैं। हमारे भैया दादा लोग कोई ना कोई नालिम लुढ़के पड़े या सड़क के किनारे लुढ़के पड़े। अम्मा बहनी करवा चौथ पूजते, भैया लोग लुढ़का चौथ पूजा खूब पूछती रहो अम्मा बहनों, कोई फर्क नहीं होने वाला, उम्र नहीं बढ़ने वाली ऐसे कामों से। इसलिए मैंने बताया कि आप भूखे मत रहो, आप व्रत मत रखो, बढ़िया अच्छा सा भोजन बनाओ, खुद खाओ, अपने पति देवता को खिलाओ, बच्चों को खिलाओ, और ज्यादा कुछ करना है तो शाम को आप भगवान बुद्ध बाबा साहब की प्रतिमा रख लीजिए, मोमबत्ती जलाइए, पुष्प अर्पित करिए, और भाई अपने पति जी को सामने खड़े करके उनकी आरती उतार लीजिए, पैर छू लीजिए, हो गया करवा चौथ, उनकी आरती आप उतारेंगी, पैर छुएंगी। हो सकत अम्मा बहनों मन में आ जाए दारू छोड़े दे है कि भाई हमारी पूजा हो रही, हमारी आरती उतारी जा रही, हो सकता मन में आ जाए दारू छोड़ दे, लेकिन आप कहो कि भूखी रहो, चंद्रमा की पूजा करो, कैलेंडर की पूजा करो, इससे किसी की उम्र नहीं बढ़ने वाली। जो मैंने आपको ये तरीका बताया माताओं बहनों, अगर आपके पति दारू शराब पुड़िया पान तंबाकू गांजा भांग आदि नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, आप कोशिश करो इनको छुड़ाने की। अगर आपका परिवार नशा मुक्त हो गया तो उम्र अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि जहाँ पर नशीले पदार्थों का सेवन होता है वहाँ पर मेरे भैया गरीबी, अशिक्षा, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, दंगा फसाद अपने आप जन्म लेता है, कोई जड़ नहीं होती इसकी। तो अगर सुख चैन की जिंदगी चाहती हो माताओं बहनों, तो ये व्रत रह के करवा पूज के उम्र नहीं बढ़ा सकती आप किसी। अगर कोई कुसंगति में आपके परिवार का सदस्य है, जुआ खेलता है, दारू पीता है, गांजा पीता है, आप प्रयास करो, कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अम्मा बहने कुछ लोग सोचती होंगी अरे हमारी तो चलती ही नहीं घर में, हम का कहे खुद ही मारे जाएंगे रोकेंगे तो। माताओं बहनों समझना ये है, आपको अपनी ताकत को पहचानना है कि जो स्त्री पुरुष को जन्म दे सकती है, पाल पोष के बड़ा कर सकती है, उसको सही रास्ता भी दिखा सकती है। जो स्त्री पुरुष को जन्म दे सकती है, पाल पोष के बड़ा कर सकती है, उसको सही रास्ता भी दिखा सकती है। आप अपने आप को पहचानो तो, अपनी ताकत को पहचानो तो मेरी माताओं बहनों। तो इसलिए जो हमारी माताएं बहनें ये करवा का व्रत रखती हैं कि व्रत रहने से, पूजा करने से पति की उम्र बढ़ जाएगी, इससे कोई फायदा मेरी माताओं बहनों नहीं होता। प्रेम शबलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए परम पूज बाबा साहब की।